वही छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जेवरा सिरसा चौक के अंतर्गत बीते दिनों पुलिसकर्मियों द्वारा ड्राइवर से मारपीट का वीडियो सामने आया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन की दुर्ग इकाई ने कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें संगठन पदाधिकारी का कहना है कि 20 फरवरी की रात जेवरा सिरसा चौकी के अंतर्गत बजरंग मिल के पास देर रात एक दुर्घटना हुई थी, जहां बजरंग मिल में कार्यरत एक ड्राइवर चेतन यादव, जिसने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत करने की कोशिश की और जब चौकी की पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पहुंची, उल्टा पुलिसकर्मियों ने उसे ही पीट डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बजरंग राइस मिल समोदक पास। कितने बजे की बात है ये? 11 बजे के बाद है। 19 फरवरी रात 11 बजे बताइए। 11 बजे एक्सीडेंट हुआ था। मैं वहाँ गाड़ी खड़ा करके निकल रहा था, वहाँ से मैं बजरंग राइस मिल में गाड़ी चलाता हूँ, तो वहीं से निकल रहा था। फिर देखा, समझाने के लिए मैं गया था वहाँ, फिर नेतागिरी वाला आया, गाड़ी ठोका था, वो नेतागिरी वाला था गाड़ी था, तो वहाँ मेरे को ज़्यादा बात कर रहा करके उन लोग भेज दिया मेरे को। फिर वहाँ से मैं चले गया रूम में, मेहमान रहते हैं ना उस रूम में, तो वहाँ चले गए, तो उन लोग सुझाता हुआ अपने अपने, फिर पेट्रोलिंग गाड़ी आया पुलिस वाला, रूम से कौन है करके निकाला, उन लोग भड़का दिया था, फिर वहाँ से निकाला और मारना चालू कर दिया, बात भी नहीं किया। और कौन मारना चालू किया? पुलिस वाले दो जने। कलेक्ट्रेट के पास कुछ ड्राइवर संघ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना ये था कि उनके साथ कुछ मारपीट की गई है कुछ पुलिस के कर्मियों द्वारा, और इसी के तहत उन्होंने कलेक्टर मैम को एक ज्ञापन सौंपा, और उसमें हम जांच करेंगे, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है और कोई भी आरोपी सामने आता है तो हम उसमें सख्त कार्रवाई